हरदा में जिला मुख्यालय पर बदहाल सड़कों की मरम्मत और निर्माण को लेकर स्थानीय विधायक सड़क के गड्ढों में धरने पर बैठ गए। उनके साथ स्थानीय निवासी और कांग्रेसी नेता भी शामिल हो गए। पिछले चार वर्षों से शहर के मुख्य मार्ग गड्ढों में तब्दील हो गए हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोग लंबे समय से आंदोलित थे, लेकिन जिम्मेदार पीडब्ल्यूडी विभाग के कानों तले जू तक नहीं रेंग रही थी। न विभाग के द्वारा उक्त सड़कों की मरम्मत कराना उचित समझा। स्थानीय लोगों की बार बार शिकायत के बाद विधायक आर के दोगने ने कई बार पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों से सड़क निर्माण अथवा मरम्मत को लेकर गुहार लगाई, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन मिला। कि आप ये मैं गड्ढे में आज बैठा था, ये रोड काफी टाइम से याद कर रहे थे, सुन नहीं रहे थे, और इस समय दो दुर्गा का टाइम चल रहा है। हमारी माता है पहले पूजन करने जाती है, उनके ऊपर छिटे हो रहे थे, मोटरसाइकिल वाले भी गड्ढे छिटे होते थे, तो वो भी बोला, कल बोला था, कल भी सुना था, आज तक नहीं किया था, इसलिए मुझे आकर गड्ढे में बैठना पड़ा कि ये गड्ढे अगर इनको ऐसे प्रशासन को दिख नहीं रहे हैं तो मुझे मैं बैठ के दिखाओ, और वो दिखाया उनको बैठ के, तो आज देख लो आप ये गड्ढे भर रहे हैं और आ गए हैं कि भर रहे हैं। अगर ये तीन दिन में अगर इस रोड के पूरे गड्ढे नहीं भराते तो फिर मैं ऐसे बैठूंगा पानी। प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि खुद वो गड्ढों को भरवाएं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया अभी तक। बिल्कुल 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 जवाबदारी अगर पीडब्ल्यूडी की है, उसका रोड है, उसको तो मेंटेनेंस करना चाहिए, उसको काम करना चाहिए, इसके फंड आते हैं मेंटेनेंस के लिए, और इसके साथ साथ नगरपालिका की भी जवाबदारी बनती है, क्योंकि नगरपालिका के लोग पूरे रहते हैं। मैं ये कच्चा काम तो कर सकती नगरपालिका भी कर सकती थी, गड्ढे को भरवा सकती थी, तो नगरपालिका भी नहीं कर रही थी। नगरपालिका को भी लगाया तो वो पीडब्ल्यूडी को वो डालेगी, पीडब्ल्यूडी क्या है, पीडब्ल्यूडी को बोले तो वो बोले कि वो सेंक्शन होना है, ये होना है, अभी दो साल से पेंडिंग पड़ा सेंक्शन, जबकि रोड ये सेंक्शन हो चुका है, तो दो साल से पेंडिंग पड़ा है, तो उसमें मेरा उनको आरोप भी है भारतीय जनता पार्टी सरकार पे कि या कांग्रेस का विधायक है, और यहाँ सेंक्शन रोड की प्रूफ में फंडिंग नहीं कर रहे, फंडे भिजवाने जो फंडिंग नहीं कर रहे हैं, फंड सेंक्शन कीजिए तो फंड करना चाहिए, देना चाहिए, दूसरे रोड भी तो बनता है, ये रोड भी बनेगा, और ये हमारे शहर के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोड है, इसको जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, इसके लिए भी मैं आगे प्रशासन को और मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा। इसका प्रमुख कारण विधायक खुद को कांग्रेस पार्टी से होना बताते हैं। स्थानीय लोगों के बढ़ते दबाव के चलते मंगलवार शाम विधायक दोगने अपने समर्थकों और स्थानीय निवासियों के साथ मौके पर पहुंच गए और पानी से भरे सड़क के गड्ढों में बैठ गए और तब तक बैठे रहे जब तक पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने उन गड्ढों में गिट्टी नहीं डलवाई। गड्ढे भराए गए, फिर से पानी गिर गया है, फिर से गड्ढे भरा रहे हैं। गड्ढे भरे भी कितना टाइम हो गया साहब, लैंपर भी आ गया, तो यही रहता है। यहाँ के लोग तो बोल रहे हैं कि गड्ढे आज तक नहीं भरा है, दो तीन बार बनाया है, अभी सेंक्शन नहीं आया है, शासन को भेजा है, सेंक्शन आ जाएगा, बाकायदा सीसी रोड बनाया जाएगा। जहाँ जहाँ विधायक बैठेंगे वहाँ वहाँ भरेंगे, जहाँ गड्ढे वहाँ भरेंगे, विधायक जी बैठे जब तो आप भरने आए, कितने गड्ढे का कितने का एस्टीमेट बना था? चार दिन में भर लेंगे। आपका गड्ढों का कितने का एस्टीमेट बना था? तो पूरा एस्टीमेट इसका 4 करोड़ का बनाया, 3 करोड़ का बनाया। कब बनाया? ये पहले 2 साल पहले बनाया था, अभी फिर से रिवाइज करके भेजा है, दोबारा बदल गया। 2 साल पहले 4 करोड़ का बना था, अब अभी सेंसर कौन सा है? साधन की है, साधन की अच्छा साधन बनाना ही क्या रहा है, जिले की सेंसर करती है, जिले की भी करेगी सेंसर। 24 hours today news को सब्सक्राइब करें और रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए।